हेलो फ्रेंड्स, सुमित चौहान दिस साइड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं। ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को आप जरूर प्रेस करना, सो दैट जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक रहता है, आप डायरेक्टली मेरे से इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं अगर आपका कोई भी डाउट है तो। और मैं इंस्टाग्राम पर हर किसी को हमेशा रिप्लाई करता ही करता हूँ, तो आपका कोई भी पर्सनल डाउट है आप या कोई भी क्वेरी है आप मैसेज इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो रहेगा वो थोड़ा स्पेशल रहेगा, बिकॉज आजकल फिर से एक झूठ मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आ गया है। और वो झूठ क्या आ गया है कि डायरेक्ट सेलिंग 100% लीगल कंपनीज की लिस्ट जारी की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इस टाइप की कुछ वीडियोस डाली जा रही हैं या कुछ लोग डाल रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माना सिर्फ 327 कंपनियों को लीगल। इस टाइप की फालतू की न्यूज डालने वाले लोग हैं जो कि गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, जिससे सफर करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये वीडियो बनानी बहुत ज्यादा जरूरी थी। तो दोस्तों, इस पे भी आएंगे कि उस लिस्ट का मीनिंग क्या है, और स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि कैसे वो लिस्ट जो है वो उसका लीगलिटीज से कोई भी मतलब नहीं है। उस लिस्ट में जो कंपनीज हैं वो भी इलीगल हो सकती हैं, और उस लिस्ट में जो कंपनीज नहीं हैं वो सारी भी लीगल हो सकती हैं। उस लिस्ट का कोई मतलब नहीं है लीगलिटीज से, और अब वो हम यहाँ पता करते हैं। चलो दोस्तों, अगर आप जाओगे, आप गूगल पे जाना, आप सबसे पहले सिंपल इतना डालना, कंज्यूमर हेल्पलाइन डायरेक्ट सेलिंग। और दोस्तों, आपको कंज्यूमर हेल्पलाइन से ही पता लग गया होगा बहुत सारी चीजें, तो मैं भी आपको बताता हूँ। जैसे ही आप कंज्यूमर हेल्पलाइन डायरेक्ट सेलिंग डालोगे तो इस टाइप से आ जाएगा डिस्क्लेमर, कंज्यूमर हेल्पलाइन सबसे पहले आ जाएगा। और आप इस पर जैसे ही इसको क्लिक करोगे, मैंने वैसे ओपन कर लिया था, मैं दोबारा आपके सामने ओपन कर देता हूँ। इस टाइप से ओपन हो जाएगा, ये हो गया है, यहाँ पे साफ लिखा आ जाएगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप समझो कि कंज्यूमर हेल्पलाइन है क्या। मैं आपको आसान समझो में समझाता हूँ कि कंज्यूमर हेल्पलाइन क्या है, कि सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग से इसका कोई मतलब नहीं है। ये एक हेल्पलाइन, एक तरीके से समझ सकते हो, जैसे हेल्पलाइन नंबर होता है वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंज्यूमर हेल्पलाइन वेबसाइट है। इसमें सिंपल क्या है कि कंज्यूमर, जैसे आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपने लेट्स सपोज मोबाइल भी खरीदा और आपको मोबाइल की कंपनी से प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पे आके उसके कंप्लेंट डाल सकते हैं, या यहाँ पे आके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि कैसे आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। तो जैसे कि हर प्रोडक्ट का होता है उसके कंज्यूमर होते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला कि यार, कंज्यूमर हेल्पलाइन ने क्या बोला यार, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी तो जो लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो एक तरीके से कहीं ना कहीं कंज्यूमर ही तो है, तो क्यों ना हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को भी यहाँ पे की एक लिस्ट रखें कि भाई कोई भी अगर उनके खिलाफ कंप्लेंट करे तो हमें पता लग जाए कि ये किस कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हैं। जस्ट इतना ही उसका मीनिंग था। और ये चीज आप ऐसे समझाओगे कि मतलब, आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं कि आपने नोकिया का, मान लो आपके पास फोन था और उस फोन में कुछ इशू आ गया और आपने वो शोरूम ने उसको रिजोल्व नहीं किया, तो आप क्या किया, आप कंज्यूमर हेल्पलाइन के, सॉरी कंज्यूमर कोर्ट गए या फिर कंज्यूमर हेल्पलाइन डॉट जीओवी पे गए, उसके बाद आपने जाके वहां पे कंप्लेंट डाली। तो आप जैसे डालोगे कि मैंने नोकिया का फोन खरीदा और नोकिया ने मेरे खिलाफ, नोकिया ने मेरे को कोई सोल्यूशन नहीं दिया, तो गवर्नमेंट को पता तो हो कि नोकिया नाम की कोई कंपनी भी है, तो गवर्नमेंट की हेल्प हो जाएगी उसमें। नहीं भी होगा तो गवर्नमेंट को क्या है, थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा कि भाई कौन सी कंपनी नहीं आई है जो मोबाइल बेच रही है। तो वो क्या है कि जस्ट ईज के लिए, कि एक ईजी हो जाए गवर्नमेंट के लिए, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, थोड़े दिनों पहले गवर्नमेंट ने बोला कि यार, जो कंपनीज, उनको लगता है कि वो जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं इसको हम पूरा का पूरा डिकोड करते हैं। दोस्तों देखो, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है प्रोविजनल लिस्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज, यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ ए प्रोविजनल लिस्ट ऑफ लीगल डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज। पहली बात तो ये, तो जो जो लोग बोल रहे हैं कि लीगल कंपनीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर कर दी, प्रोविजनल लिस्ट निकाल दी, वो सब फालतू की बातें हैं। यहाँ पे सिंपल है, एक तो ये प्रोविजनल लिस्ट है, तो इससे आप खुद ही समझ जाओ ये फाइनल लिस्ट नहीं है। हो सकता है कि ये 327 है, यहाँ पे अभी 3,000 और लिस्ट एड हो, मैंने आपको बताया 10,000 से ज्यादा कंपनी है, धीरे धीरे यहाँ पे सारी सब कंपनियों को एड होना है, कोई कंपनी नहीं रहेगी ऐसा कि जो यहाँ पे एड नहीं होगी। बस वो है कि कोई ने, किसी ने जल्दी रजिस्टर कर दिया, कोई 4 महीने बाद करेगा, कोई 4 साल बाद करेगा, मर्जी है ना किसी भी कंपनी की, यहाँ पे रजिस्टर करो या ना करो कंज्यूमर हेल्पलाइन पे। ये कोई लॉ नहीं है, ये कोई लीगल बॉडी नहीं है, ये कंज्यूमर हेल्पलाइन है, ये कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लीगल बॉडी नहीं है, और किसी कंपनी को लीगल या इलीगल मानने के लिए लीगल तरीके से चला जाता है। ये जस्ट एक कंज्यूमर का फोरम टाइप से आप समझ लो। तो यहाँ पे जितनी भी कंपनी इंडिया के अंदर 10,000 है, अब एक बात बताओ, ये लिस्ट कब तक की है प्रोविजनल, 31/10 तक की। कोई कंपनी आज रजिस्टर हुई होगी तो मतलब क्या वो इस लिस्ट में नहीं होगी, तो वो इलीगल होगी। फालतू की बातें हैं ये सारी की सारी। आप कभी भी कंपनी शुरू करो, आपकी कंपनी लीगल है, अगर आप लीगल तरीके से पे आउट दे रहे हो, अगर आप लीगल तरीके से काम कर रहे हो, प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट कर रहे हो, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपकी कंपनी काम कर रही है, इस लिस्ट में आने की आपको कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जो आ रखे हैं उनका भी हम और देखते हैं, यहाँ पे इसको और देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। सबसे पहली चीज क्लियर होगी होगी, अब आपको एक चीज और बता दोस्तों, यहाँ पे देखो साफ लिखा हुआ है प्रोविजनल लिस्ट है उन कंपनीज की विच हैव सबमिटेड देयर डिक्लेरेशंस इन द प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक परफॉर्मा निकाला था, जैसे अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं डायरेक्ट सेलिंग डिपार्टमेंट के पास, तो
जब कंज्यूमर हेल्पलाइन ने एक एक परफॉर्मा टाइप का निकाला इस टाइप का, और इन्होंने सबको बोला कि यार ये एक ऑप्शनल है, कोई भी कंपनी अगर चाहती है कि वो यहां पे अपना नाम ले आए, बट क्योंकि उनको नहीं पता था ना कि इस नाम को भी लोग गलत तरीके से मार्केटिंग करेंगे इस नाम की भी, कि यहाँ पे नाम इसलिए है कि किसी को अगर इनके खिलाफ कंप्लेंट हो तो कंप्लेंट फाइल कर दो, सीधा जाके इन कंपनी का नाम लो और फाइल कर दो यहाँ पे, क्योंकि इजी हो जाएगा लोगों के लिए कंप्लेंट फाइल करना इनके खिलाफ। लेकिन कंपनीज, क्योंकि मार्केटिंग आपको पता है इंडिया के अंदर हमेशा जो कुछ कंपनीज के प्रमोटर ऐसे होते हैं वो हर चीज को गलत इंफॉर्मेशन, गलत न्यूज बना के अपनी कंपनी को प्रमोशन में लग जाते हैं। वो लोग इस लिस्ट को क्या बोलने लगे, ये तो लीगल कंपनीज की लिस्ट है, ये तो डायरेक्ट सेलिंग यही कंपनियां हैं जो लीगल है, जो कि फालतू की बात है। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, अगर आप इस परफॉर्मा पे जाओगे ना डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज का जो ये पूरा का पूरा है, तो इस टाइप का एमएस वर्ड फाइल खुल जाता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्लेरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज कंपनी, कोई भी कंपनी, लीगल इलीगल से कोई मतलब ही नहीं है, कोई भी कंपनी अपनी कंपनी का सिर्फ यहाँ पे नाम, सिन नंबर, एड्रेस, नेम एंड एड्रेस ऑफ द डायरेक्टर, फिर उसके बाद जो नॉर्मल है कि डिटेल ऑफ द रजिस्ट्रेशन, वही अपना ईमेल की कंपनी की वेबसाइट, ये सब कुछ डाल के, फोन, हेड ऑफिस का एड्रेस वगैरह डाल के, फिर ये कि आपने देना है कि आपके कोई भी जो जो डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन के अंदर साफ है कि कोई भी आपका ऐसा तो नहीं है कि जो जिसके ऊपर केस हो रखा हो पिछले 5 साल के अंदर आपकी कंपनी के किसी भी मैनेजमेंट के डायरेक्टर वगैरह के ऊपर, तो जिन जिन के ऊपर हो रखा है देखो उन्होंने यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है कि जैसे ये कंपनी होगी इस पे हो रखा होगा, या यहाँ पे आप अगर आप देख सकते हैं ये कंपनी जैसे एमवे है, तो एमवे ने लिखा हुआ है कि हाँ एमवे के ऊपर कुछ क्रिमिनल केस चल रहे हैं, 2002 से चल रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस चल रहा था और इस टाइप से पूरा का पूरा चल रहा था, जो कि कंफ्यूजन जब क्रिएट हुई थी एमवे के साथ, तो वो सारा का सारा है। तो आपको ना जस्ट ये सारी की सारी चीजें लिख देनी है, और उसके बाद आपको क्या लिखना है कि आपकी कंपनी प्रोडक्ट बेचती है या सर्विस बेचती है या दोनों चीज बेचती है। तो यहाँ पे उनको भी जवाब मिल गया, जो फालतू का लॉजिक देते थे कि सिर्फ प्रोडक्ट वाली लीगल है या सिर्फ सर्विस वाली लीगल है, मेरे भाई देख लो गवर्नमेंट तो खुद बोल रही है कि आपकी जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है वो प्रोडक्ट बेचती है या सर्विस बेचती है या दोनों बेचती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये ना, इतनी हम अगर ध्यान से देखें कि प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं या सर्विस भी बेच सकते हैं, दोनों भी बेच सकते हैं, तो वो चीज भी हमारी यहाँ पे क्लियर हो गई है। उसके बाद डेट ऑफ लाइसेंस, अगर अगर आपने कोई ट्रेडमार्क वगैरह लिया है तो उसके बाद ये नॉर्मल ये सारी की सारी चीजें हैं। और अगर आप यहाँ पे देखोगे यस नो करके कुछ जवाब देने, जो कि बहुत ही सिंपल है, उसके बाद कंपनी के सील पे इन्होंने वहां पे करके, और डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन है यहाँ पे सारी की सारी जो गवर्नमेंट ने निकाली थी, और इन्होंने बस ये दे दिया कि हाँ जी हम डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन के हिसाब से काम करेंगे, ऐसा डिक्लेयर करके बस दे दिया है, इन्होंने दिया और भेज दिया। जो जो भेजे जा रहा है गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनको इस लिस्ट में उनका नाम ऐड करे जा रही है। इससे लीगल या इलीगल का कोई मतलब नहीं है, ये तो उन्होंने बोला है कि हम ऐसा काम कर रहे हैं, और ये चीज आपको यहां से भी पता लग जाएगी। यहां पे क्या लिखा हुआ है कि विच हैव सबमिटेड देयर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म अंदर अलोंग विद द अंडरटेकिंग, जो आपने देखा था कि फॉर्म के लास्ट में एक अंडरटेकिंग थे जहां पे स्टैंप वगैरह लगा के देनी थी, कि जिसमें वो बोल रही है कि उन जिस उसमें वो लोग क्या बोल रहे हैं, ये कंपनियां कि हम ना 9 सितंबर 2016 की गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं, ऐसा हम लिख के आपको दे रहे हैं। जस्ट इन्होंने बोला है, लिख के इन्होंने दे दिया है, नहीं होगा तो इनके ऊपर केस हो जाएगा। ऐसा थोड़ी ना लिख के इन्होंने यहां जमा कर दिया है कि हम फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये पक्का फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है। कंज्यूमर हेल्पलाइन का मतलब है जस्ट पता कि आप यहाँ पे बस हमें इन्फॉर्मेशन दे दो। अब ये देखो यहाँ पे साफ, इसलिए गवर्नमेंट ने भी लिखा हुआ है कि ये कंफ्यूजन ना हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है कि कुछ लोग कमीने हैं, इस चीज को भी, इस लिस्ट को भी अपने आपको लीगल बनाने में लग जाएंगे, इस टाइप की फालतू की न्यूज ले आएंगे कि लीगल कंपनीज की लिस्ट होगी, ये होगी, वो होगी। गवर्नमेंट ने साफ लिखा हुआ है कि ये जो लिस्ट है, जो दो जिन्होंने भी हमें परफॉर्मा दिया है उनका जो लिस्ट है, इज बीइंग होस्टेड ऑन द वेबसाइट फॉर पब्लिक कमेंट्स। गवर्नमेंट खुद बोल रहे कि भाई इन कंपनीज का नाम हमने इसलिए डाला है, ये 327 कंपनी का नाम कि जिन्होंने हमें परफॉर्मा भेज दिया और हमने इनका नाम डाल दिया, और ये पब्लिक के कमेंट्स के लिए डाला है। यहां पे आप देखो फॉर पब्लिक कमेंट्स फॉर चेकिंग एक्यूरेसी, कि गवर्नमेंट तो साफ बोल रही है भाई ये झूठ तो नहीं बोल रहे, आप एक काम करो हमें बताओ ये झूठ तो नहीं बोल रहे, अगर इनमें इनमें से कोई भी कंपनी झूठ बोल रही है तो इनपे हम फाइन लगाएंगे, पेनल्टी लगाएंगे, आपके साथ गलत हुआ है तो आपको पैसा वापस दिलाएंगे, इस टाइप की जो सारी की सारी चीजें हैं कि वेबसाइट पर पब्लिक कमेंट्स एंड चेकिंग एक्यूरेसी एंड वेरासिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। और लास्ट में ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आपको लगता है अगर आपका कोई डिस्क्रिपेंसी अगर आप पाते हो गाइडलाइन के अंदर, अगर आप नोटिस करते हो इन कंपनीज के अंदर, पब्लिक में शेयर, यहाँ पे आप देखो दोस्तों हम पब्लिक के पास बहुत बड़ी पावर है, पब्लिक में शेयर द इंफॉर्मेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट अंदर इंटीमेशन ऑफ द डिपार्टमेंट वाया ईमेल ये और बाय द पोस्ट। गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि भाई इन्होंने हमारे पास बस नाम लिख के भेज दिया कि हम फॉलो कर रहे हैं, हम इनको कोई लीगल लीगल नहीं बोल रहे। अगर पब्लिक के पास साफ अथॉरिटी और हमेशा रहेगी, अगर आपको लगता है कि ये कंपनी अपने आपको बोल रही है कि ये गवर्नमेंट डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन को फुलफिल कर रही है, बट आपको लगता है कि नहीं कर रही, तो सीधा हमें मेल कर दो, सीधा का सीधा हम इनके ऊपर एक्शन लेंगे कि इन्होंने झूठ कैसे बोला कि इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। अब आप समझ रहे हो, पूरे का पूरा डिक्लेरेशन में साफ कहीं नहीं लिखा कि ये जो लिस्ट है इसमें जो कंपनियां हैं वो लीगल हैं, क्योंकि लीगलिटी इससे कोई मतलब ही नहीं है। आप समझ रहे हो,
तो और मैं दोस्तों यहाँ पे आ जाता हूँ, आपको और चीजें बता देता हूँ अगर आप यहाँ पे भी जाते हो। ये गवर्नमेंट का पूरा फ्रेमवर्क है, गाइडलाइन है, जो गैजेटेड ऑफिसर कुछ कंपनियां इसको भी दिखा देती हैं कि हमारे पास गैजेट ऑफ इंडिया का लेटर है। ये कुछ भी नहीं है, ये गवर्नमेंट का सीधा सीधा सा है कि यार इंडियन गवर्नमेंट ने सीधा क्या बोला है, डायरेक्ट सेलिंग पे गाइडलाइन निकाली थी और वो लास्ट में आप देख सकते हो इंग्लिश के अंदर, वो गाइडलाइन भी इसके अंदर इंक्लूड है सारी की सारी। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा का पूरा, और इसके अंदर वो गाइडलाइन के साथ साथ गवर्नमेंट ने क्या किया, वो एफिडेविट भी डाल दिया कि जो कोई भी कंपनी अगर चाहती है कि भाई वो डायरेक्ट सेलिंग कर रही है और वो मानती है कि वो लीगल तरीके से काम करे, तो हमें परफॉर्मा भेज दो अगर उसे भेजना है तो, क्योंकि अगर वो भेज देगी तो इसका मतलब वो नहीं है कि वो लीगल हो जाएगी, जस्ट हमें हेल्प हो जाएगी या कंज्यूमर्स को हेल्प हो जाएगी। अगर उस कंपनी से उनको कोई प्रॉब्लम है या उस कंपनी से उनको कोई इश्यू है तो वो डायरेक्टली उस कंपनी की कंप्लेंट हमें कर सके। तो दोस्तों ये लिस्ट का मतलब कुछ नहीं है, इस लिस्ट से ये नहीं है कि ये कंपनियां लीगल हो गई, इस लिस्ट का मतलब ये है कि अगर आपको किसी लेट सपोज आप किसी भी कंपनी को आपने ज्वाइन किया हुआ है, वो कंपनी इस लिस्ट में हो या ना हो, वो पावर आपके पास हमेशा रहेगी, आप उसकी कंप्लेंट डायरेक्ट कर सकते हो कंज्यूमर हेल्पलाइन के पास। हाँ, जिन जिन कंपनी ने इस लिस्ट में अपना नाम डाल दिया है उन कंपनीज के लिए गवर्नमेंट को इजी हो जाएगा एक्शन लेना उनके अगेंस्ट। तो सिंपल सा इसका ये मतलब है। तो मेरे को लगता था ये क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे हमारी बेचारी बहुत सारी कंपनीज को सफर करना पड़ सकता था जो अभी नई रजिस्टर हो रही है या आने वाले टाइम में होंगी या हर महीने होती रहेंगी, क्योंकि हर महीने बहुत सारी कंपनियां इंडिया के अंदर रजिस्टर होती हैं और उन कंपनीज के लोग अगर जब प्रमोट करने जाएंगे तो इस टाइप की कंपनीज के लोग उनको गलत इन्फॉर्मेशन देके या इस टाइप का फालतू की न्यूज देके जिसका कोई मतलब ही नहीं है उनको दबाने की कोशिश कर सकते हैं। और ऐसा बहुत बार देखा भी गया है कि बोला जाता है उन कंपनीज को, तुम्हारी कंपनी जैसी लिस्ट में नहीं है तो तुम्हारी कंपनी इलीगल है। तो ऐसी कंपनीज मतलब ऐसी न्यूज से आके आप प्लीज किसी भी कंपनी के अंदर हैं, आपकी कंपनी का नाम अगर इस लिस्ट में नहीं है तो मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगा, कोई जरूरत नहीं थी आपकी कंपनी को यहाँ पे इस लिस्ट में अपना नाम भेजने के लिए, वो जस्ट ऑप्शनल था। नहीं भी है आपकी कंपनी का इस लिस्ट में नाम तब भी आपकी कंपनी मैं आप काम कर सकते हैं, प्राउडली काम करो, इस लिस्ट के ऊपर ध्यान मत दो बिल्कुल भी, और इस लिस्ट का लीगल और इलीगल से कोई भी मतलब नहीं है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को आप क्या बोलते हैं ऐसे ही अपना सपोर्ट दीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा सो डेट हर डायरेक्ट सेलिंग जो कंपनी में काम करने वाले प्रमोटर के पास ये वीडियो पहुंच सके, सो डेट उसको हेल्प हो सके कि कहीं उसको भी कोई इस टाइप की फेक न्यूज से या ऐसे फेक वीडियोज बनाने वाले लोगों से के वीडियो दिखा के उन्हें कोई डरा ना सके या उन्हें कोई डिमोटिवेट ना कर सके। बाय दोस्तों, टेक केयर, मिलते हैं अगली बार किसी अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे, किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।